हेलो एवरीवन, हम फिर से आए हैं चैप्टर ट्रायंगल के 7.1 के एक और क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। हमने ऑलरेडी 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 5th है, वो कुछ इस प्रकार से है। लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए। फिगर बना लीजिए एल नाम की लाइन। ए हो गया हमारा क्यू बी। अब देखिए आप, लाइन एल इज द, ये जो लाइन एल है इस लाइन ने बाइसेक्ट किया एंगल ए को। इट मींस यहां आप देख लीजिए, ये जो एंगल है इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये आप नोट कीजिए, ये दोनों एंगल इक्वल है। एक एंगल मिल गया हमें। आगे देखिए, B is any point on line L. इस L line पर ही ये जो B नाम का point है, कोई point है, इस प्रकार से है वो point कि जो आपका BP है, आपका जो BP है, ये BP और BQ, ये जो दोनों है are perpendicular from B. यानी B से ये निकले हैं, यहां से और ये perpendicular है, ये मैंने already दिखा दिया, perpendicular है दोनों 90 डिग्री टू द आर्म ऑफ ए। ये जो आर्म ए नाम की जो आर्म है, इस लाइन के ऊपर ये 90 है और इस लाइन पे ये 90 है। तो देखिए आपके पास में एक 90 की कंडीशन ऑलरेडी गिवन है, इट मींस एंगल मिल गया आपके पास में, ये एंगल इसके इक्वल है, दूसरा एंगल मिल गया। अब तीसरी चीज आपको सर्च करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, ट्रायंगल कौन सी ले, ए पी बी। देखिए बेटा, ए पी बी, एक तो ये ट्रायंगल यूज हुई, ए क्यू बी, ए क्यू बी एक ही यूज हुई। तो इन दोनों ट्रायंगल में गौर से देखें तो ए बी दोनों के पास आ रहा है, कॉमन वाली कंडीशन आ गई, ए बी जो है वो साइड है, दोनों के पास है। आपका ए पी बी में भी ए बी आ रहा है और ए क्यू बी में भी ए बी आ रहा है, तो एक कॉमन की कंडीशन हो गई, एक 90 दे रखा है और तीसरा बाइसेक्टर में हमें वैसे ही मिल रहा है। तो आप स्टार्टिंग कीजिए सॉल्यूशन, जो ट्राइंगल हमें कॉन्वेक्ट प्रूव करनी है उसी को लेके चलना है। इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी, इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या कंडीशन है। एक तो एंगल वाली आ रही है सर, आपका जो QAB है, एंगल QAB इज इक्वल टू एंगल PAB, PAB क्या बोलोगे आप इसको, बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। क्लियर है भाई, L नाम की लाइन में A एंगल A को बाइसेक्ट किया ना, बाइसेक्ट स्टैंड फॉर टू इक्वल हाफ में डिवाइड करना, इसलिए दोनों हो गया। कंडीशन नंबर दो आपको साफ साफ दिख रहा है, AB is equal to AB, ऐसा क्यों लिखा आपने सर, दोनों में आ रहा है, कॉमन है, ये दोनों के अंदर आ रहा है, इसको कॉमन ले लिया हमने। कंडीशन नंबर तीन, 90 डिग्री साफ साफ दिख रहा है, एंगल BQA is equal to एंगल BPA क्या बोलोगे, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री। क्लियर, यहां तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो आप क्या बोलोगे, हम बोलेंगे सर एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो डायरेक्टली
कि आपकी जो ट्राइंगल है, आप बोल सकते हो ना बेटा, इसके बाद बोल दो आप कि ट्राइंगल ए पी बी कॉन्वेंट ट्राइंगल ए क्यू बी। ये क्लियर हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर होगी। अब आते हैं स्टेटमेंट नंबर टू, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू। देखो कहां कहां है आपकी जो बीपी है, देखिए आपकी ये जो बीपी है, ये बीपी इज इक्वल टू बी क्यू। ये तो फिर से वही बात होगी, ग्राउंड में फुटबॉल पहुंच चुका है, आपको गोल करना है, तो गोल करने में कहां देर होने वाली है, फटाफट गोल हो जाएगा। यानी ग्राउंड, यानी हम जब हम लोग ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं दोनों ट्राइंगल को, तो हमें गोल करने में क्या प्रॉब्लम, तो हम सिंपल सीपीसीटी में डालेंगे सीधा। तो आप डायरेक्टली बोल दो कि सर बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, ब्रैकेट में क्या डालोगे, सीपीसीटी, सीपीसीटी ब्रैकेट में क्या डालोगे, सीपीसीटी। क्यों, प्रूव करने के बाद में तो फिर सीधा ही बोलते हैं हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, सीपीसीटी होने के बाद में। और कुछ है, और बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म ए, B is equidistant from arm A। इसका मतलब तो यही है, यानी कि ये दोनों इससे इक्वल है, वो हम कर चुके हैं CPCT से। तो ये जो आर्म A है, ये आर्म A है दोनों, ये तो यहां से ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, CPCT में डाल दिया हमने, ठीक है। तो बिल्कुल ही सिंपल आसान थे, बस आपको दो कंडीशंस ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होती है, एक कंडीशन छुपी होती है, मोस्टली तो वो कॉमन की ही होती है, या फिर कहीं ना कहीं अगर पैरेलल लाइंस आ गई तो आपकी कंडीशन कौन सी हो जाएगी, अल्टरनेट निकलती है। बहुत सिंपल है, आप बिल्कुल इजी वे में समझो, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल, ठीक है। आई होप आप एंजॉय किया होगा इस क्वेश्चन को भी आपने अच्छे से। ओके, थैंक यू।